सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। आप जलते हुए मोमबत्ती को उल्टा करते हो तब भी उसकी लौ हमेशा ऊपर की तरफ जाती है। जीवन में भी बहुत सारी घटनाएं घटेगी जहां आपका उत्साह जोश नीचे दब जाएगा। उस वक्त ये याद रखना कि मोमबत्ती की तरह आप हर परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। अपने उत्साह और जोश की लौ को बुझने नहीं देना। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि तुम मुझे पसंद करो या मुझसे नफरत, दोनों ही मेरे पक्ष में हैं। क्योंकि अगर तुम मुझको पसंद करते हो तो मैं आपके दिल में हूँ, और अगर तुम मुझसे नफरत करते हो तो मैं आपके मन में हूँ पर रहूँगा आपके पास ही। आज का पंचांग कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि सुबह 8:01 तक रहेगी। उत्तर भाद्रपदा नामक नक्षत्र शाम 6:09 तक रहेगी। इसके उपरांत रेवती नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 8:06 से 9:27 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:49 से 12:34 तक रहेगा। आज चंद्रमा मीन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य तुला राशि पर रहेंगे। मिथुन राशि 15 नवंबर 2021 दिन सोमवार। अपनी चिंताओं को किसी सार्थक यात्रा या नए शैक्षणिक लक्ष्य के माध्यम से दूर करें। आपको कानूनी परामर्श के लिए किसी रिश्तेदार या शायद पिता की सलाह लेने की जरूरत हो सकती है। कड़ी मेहनत करना जारी रखें और सौभाग्य आपका होगा। जो भी आप कहते हैं या जहां भी आप जाते हैं उपलब्धि की भावना हर समय आपके साथ रहेगी। आपके आत्मविश्वास का स्तर आज ऊंचा होगा और नम्रता आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। किसी भी परेशानी से आपको जूझना नहीं पड़ेगा। आपके द्वारा उठाए गए छोटे कदम भी एक महान भविष्य की शुरुआत है। आज छुट्टी का पूरा फायदा उठाएं। परिवार के साथ हास परिहास व मनोरंजन संबंधित कार्यों में समय व्यतीत होने से स्वयं को हल्का फुल्का ऊर्जा से भरपूर महसूस करें। घर के रखरखाव संबंधित कार्यों में भी आपकी रुचि रहेगी। सरकारी काम में रुकावट नजर आएगी, रुक सकते हैं। परिवार के लोगों की अनुमति के बिना काम की शुरुआत ना करें वरना बड़े पैमाने पर तकलीफ हो सकती है। जिन लोगों को सरकारी नौकरी की अपेक्षा है उन्हें अपने प्रयासों को बढ़ाना होगा और अपने काम में पारंगत लोगों से मार्गदर्शन लेने की आवश्यकता है। आपके अंदर बढ़ रहा अकेलापन रिलेशनशिप संबंधित कठिनाई बढ़ा सकता है। थकान महसूस होगी, चिड़चिड़ापन थकान के कारण भी हो सकता है। सावधानियां, ऑफिस के कुछ काम घर पर करने पड़ सकते हैं परंतु आप अपने काम के प्रति एकाग्रचित नहीं हो पाएंगे, इसलिए लापरवाही करने के बजाय काम को स्थगित ज्यादा उचित है। बात करते हैं लव लाइफ की। एक लंबी दूरी की यात्रा आपके दिल के तारों को किसी खास के साथ जोड़ सकती है। पूरे जोश और उत्साह से अपने जीवन की इन क्षणों का स्वागत करें। आज जहां भी जाएं सफलता आपके साथ होगी। आपका पार्टनर आपसे बहुत उम्मीदें रखता है और आप भी उन्हें पूरा करने में पूरी जान लगा देंगे। आपका आत्मविश्वास आपके रिश्ते को रंगीन करने में जादू जैसा काम कर सकता है। अगर रिश्ता नया है तो उसे अतिरिक्त समय दें। बात करते हैं करियर की। उच्च शिक्षा के लिए विदेश यात्रा जाना चाहते हैं तो अभी ग्रह आपके पक्ष में है। अपने शिक्षा के मेंटर के मार्गदर्शन में आप आसमान भी छू सकते हैं, इसलिए उनके सलाह पर ध्यान अवश्य दें। करियर में बदलाव से आपको नए अवसर मिलेंगे। आज आप जो भी करेंगे या जहां भी आप जाएंगे अच्छा ही महसूस करेंगे। इस समय का प्रयोग कुछ खास करने या किसी भी अवसर का पूरा फायदा उठाने में करें। आज आप आत्मविश्वास महसूस करेंगे लेकिन नम्र बने रहें ताकि लोग आपकी तारीफ करें और आपको समझें। आज हर काम में आपको सफलता मिलने की पूरी संभावना है। बात करते हैं सेहत की। शरीर में हल्की कमजोरी व थकान महसूस होगी।
लापरवाही न बरतें और तुरंत इलाज लें। थकान भी हो सकता है। आज का उपाय, गरीबों को दान पुण्य करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।